So in last session we were doing this program for unary operator overloading as member function. So we have seen this that when it is a member function, then we need not to pass any object of the class. So when it is unary operator and as a member function, then we need not to pass any object in the class, because member function can directly access member variables. So this is member member function. Operator function is a member function which is in public and it can directly access that. Understood? Now next you can we will see next program for unary operator overloading as friend function. So now we are doing this for friend function. ठीक है, कि यूनरी ऑपरेटर अगर फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो फ्रेंड फंक्शन कौन होते हैं, विच इज़ नॉट दी मेंबर फंक्शन ऑफ योर क्लास, इट इज़ द आउटसाइड फंक्शन बट हैज़ दी अथॉरिटी टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास बट नॉट डायरेक्टली. It can access via object of the class, as we have already seen in friend function. तो friend function अगर होगा तो वो क्या करेगा, x और y को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. वो कैसे एक्सेस करता है, वाया ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास थ्रू डॉट ऑपरेटर. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. सेम मैंने माइनस वाला ही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम ही है, सेम क्लास ए बी सी टू मेंबर वेरिएबल x एंड y, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन द वैल्यू ऑफ a टू x एंड b टू y. नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंस. Now you see the difference that instead of normal member function, this is friend function. So when it is friend function, so you have to use keyword friend. आपको क्या use करना है, keyword friend. ठीक है, बाकी सब syntax same है. Return type of the function, keyword operator minus. So this sign is showing that this is unary operator we are overloading. बट यहाँ पर से पता चल जाएगा, इफ इट इज वन ऑब्जेक्ट एंड फ्रेंड इज रिटर्न, देन इट इज अ यूनरी ऑपरेटर एज अ फ्रेंड फंक्शन. ठीक है, अब ये बाइनरी भी हो सकता है अगर एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि बाइनरी ऑपरेटर एज अ मेंबर फंक्शन होता है तो उसमें एक पास करते हैं पैरामीटर. बट फ्रेंड की वजह से ये क्या हो गया, यूनरी ही रहा, क्योंकि है तो एक पैरामीटर बट फ्रेंड है, तो इट मीन्स दिस इज यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, अभी सिर्फ क्या चेंज किया, वहाँ पे इन द प्रीवियस स्लाइड व्हेन इट वाज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, तो वी वर एक्सेसिंग एक्स डायरेक्टली, दैट एक्स वाज इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड वाई क्या था, वाई वाज माइनस वाई, that was the function. और यहाँ पर क्या change हुआ है, now in this what we are doing, see this is friend function, so it cannot access x and y directly. और friend function कैसे access करते हैं, we need to create the object of the class. तो मैंने यहाँ पर एक object create किया s, उसका data type क्या है, abc, जो हमारी class name ही है. क्लियर, तो अब जो है मुझे अब वाया ऑब्जेक्ट आई हैव टू एक्सेस एक्स एंड वाई थ्रू डॉट ऑपरेटर. तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग दिस, आई हैव टू जस्ट एक्सेस वाया ऑब्जेक्ट, दैट अगर मुझे एक्स एक्सेस करना है तो एस डॉट एक्स आई शुड राइट एंड आई एम चेंजिंग द साइन टू माइनस एस डॉट एक्स. एंड हियर इफ आई वांट टू एक्सेस वाई वेरिएबल, तो आई हैव टू यूज एस डॉट वाई and I'm changing the sign of y and writing minus s dot y. So this is the difference between, this is your difference between friend function, unary operator as a friend function. So you have to access private member variable via object of the class. Are you getting this point? Okay. और यहाँ पर क्या करना है, minus x or minus y, ये जो है नॉर्मल मेंबर फंक्शन है विच कैन एक्सेस डायरेक्टली मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास. सिर्फ यही डिफरेंस है,
बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है. एवरीथिंग द कॉलिंग ऑफ मेंबर कॉलिंग ऑफ ऑपरेटर फंक्शन, बाकी नॉर्मल मेंबर फंक्शन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एवरीथिंग इज सेम. सिर्फ मैंने ऑपरेटर फंक्शन को चेंज किया है. तो आपने फर्स्ट कंडीशन देखी, चार पॉइंट जो मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला. पहला पॉइंट क्या है कि यूनरी ऑपरेटर एज अ मेंबर फंक्शन, नो नीड टू पास एनी आर्गुमेंट, यू कैन एक्सेस डायरेक्टली ऑल मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, वेन यूनरी ऑपरेटर एज अ फ्रेंड फंक्शन, then you need to pass one argument which should be the object of the class. Means you cannot access member variable directly with the help of friend function. So you need an object, and that object can pass member variable with the help of dot operator that you can see here. तो ये आप दोनों पॉइंट्स क्लियर है आपको. ये दोनों पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं. ये चार पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यू हैव टू रैप. क्लियर. नाउ विल सी द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल और प्रोग्राम हम देखेंगे. बाकी आप इसमें देख सकते हो सेम वही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच इज पैरामीटर्स, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है. तो हैव पास हियर टू एंड हियर थ्री. ए में गया टू और बी में गया थ्री, एंड ये हमने प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स को दिए. तो जब मैंने एस डॉट डिस्प्ले किया तो इट इज डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, उसके बाद मैंने मेंबर ऑपरेटर फंक्शन कॉल किया. तो दिस इज अ नॉर्मल फंक कॉल. तो नॉर्मल कॉल में हम कैसे कॉल करते हैं, बाय इट्स नेम. तो नेम क्या है, माइनस द सिंबल. तो हियर आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट एस वन. वहाँ पे क्या था, हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया हुआ था, एस. यहाँ एस वन क्यों लिया, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ दे दिया एक ऑब्जेक्ट का. नाउ इफ आई एम डिस्प्लेइंग एस वन डॉट डिस्प्ले, तो इट इज डिस्प्लेइंग, क्योंकि अभी हम ये कॉल कर चुके हैं, साइन चेंज हो चुका है. So the value of x is equals to minus 2, it has changed the sign, minus 3 will be plus 3. Clear? So this is for unary operator. Now we will see next slide for binary operator as member function, which is our third point. Binary operator as member function. Okay? Now we will see binary operator overloading as member function. तो अब बाइनरी में तो क्या है, नाउ यू हैव जैसे मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है. प्लस मतलब आई एम एडिंग टू ऑब्जेक्ट्स. यू कैन सी हियर आई एम हैविंग टू ऑब्जेक्ट एस थ्री एंड एस फोर, एंड दिस इज द कॉल ऑफ दिस ऑपरेटर फंक्शन. ठीक है, इट इज एडिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोरिंग इन दिस थर्ड ऑब्जेक्ट एस फाइव. क्लियर. तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. ठीक है, एस थ्री एस फोर. ओके, तो एक ऑब्जेक्ट आपने और भी क्रिएट किया एस फाइव, विच इज़ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. मतलब डिफॉल्ट मतलब ऑब्जेक्ट है विदाउट एनी पैरामीटर. तो इट के हाउ इट विल बी इनिशियलाइज्ड. ठीक है ना, वी डोंट हैव एनी मेंबर दैट नॉर्मल फंक्शन. तो इसको इनिशियलाइज और इन्वोक करने के लिए हमें एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिखना पड़ता है. ठीक है, तो दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज फॉर एस फाइव. ओके, एंड पैरामीटराइज जैसे लास्ट प्रोग्राम में था, वी हैव पैरामीटर्स. अब देखो, जैसे ही मैंने क्रिएट किया एस थ्री, I'm going randomly कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस थ्री, तो इसकी वैल्यू इस पे चली गई टू पे, और इसकी वैल्यू किस पे चली गई बी पे. तो ये वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी. क्लियर. अब जब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि when you are using binary operator as a member function, you need to pass one object. Why one object? क्योंकि जो फर्स्ट है ना S3 को एलोकेशन डायरेक्टली मिल गया, बट S4 को एलोकेशन डायरेक्टली नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी एलोकेटेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तो हाउ दैट S4 विल गेट एलोकेशन,
So that allocation will get via object of the class. आप उसको डायरेक्ट, क्योंकि उसका एलोकेशन जब भी आप दो वेरिएबल्स को जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो हमेशा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता. एलोकेशन विल बी ऑलवेज वाया ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. दैट इज द की पॉइंट इन दिस. ओके, तो इसीलिए जब मेंबर फंक्शन है, आपका ऑपरेटर फंक्शन एज अ मेंबर फंक्शन इन बाइनरी ऑपरेटर, देन यू नीड टू पास ओनली वन ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है एक्स एंड वाई को, और जो एस फोर है वो डायरेक्टली नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी एलोकेशन मिल गई. तो उस पर थोड़ी ना दूसरे का ऑब्जेक्ट का आंसर डालेंगे, वो नहीं तो ओवरराइट हो जाएगा और वैल्यू मिसप्लेस हो जाएगी. तो दैट वी कैन नॉट डू. तो उसको हम कैसे करेंगे, सेपरेट एलोकेशन कैसे देंगे, वाया ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. नाउ यू कैन सी कैसे चल रहे हैं हम इसमें. तो क्लास का नाम ए बी सी ही लिया है, वेरिएबल नेम्स एक्स वाई लिए हैं, प्राइवेट मेंबर वेरिएबल, एक ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये किसके लिए है, इस ऑब्जेक्ट के लिए. और जो ये दो ऑब्जेक्ट है ये किसके लिए है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इनके लिए कॉल किया हुआ है. तो जैसे ही अब आपने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, अब आप देखो ऑपरेटर फंक्शन, मेन थिंग हमें यहाँ पे ऑपरेटर फंक्शन देखना है. अब वॉइड नहीं है यहाँ पे. व्हाई वॉइड इज नॉट देयर, बिकॉज वी आर रिटर्निंग सम वैल्यूज. ठीक है, रिटर्निंग क्यों है, क्योंकि जब हम इसको एडिशन कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है एंड दैट आंसर इज गोइंग टू स्टोर हियर इन दिस एस फाइव. और एस फाइव जो है इसको कॉल करने के बाद जब वो यहाँ आएगा तो ये S2 जो है इस पूरे वैल्यू को रिप्लेस कर देगा और इस S2 की वैल्यू दिस S5 विल गेट. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई जैसे नॉर्मल फंक्शन में रिटर्न वैल्यू होती है ना, कि जब आपका मेन प्रोग्राम में व्हेन यू आर कॉलिंग अ फंक्शन तो दिस कंट्रोल विल ट्रांसफर टू हियर. ठीक है, इट विल डू दैट पार्ट. And after that, the result will store in somewhere in one variable, and that variable you need to return. That will return or replace this expression, and that value of S2 will transfer to S5. Normal function, just a normal function के लिए आप सोचते हो, same concept है. Now you see this. That's why the return type is ABC. Why return time? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, या तो ये रिटर्न टाइप जो ऑपरेटर फंक्शन का क्या होता है, इधर void type और the class. ठीक है, तो क्लास नेम हमारा ए बी सी है, सिंस वी आर रिटर्निंग सम वैल्यू तो रिटर्न टाइप शुड बी ए बी सी. नेम ऑफ द फंक्शन ऑपरेटर एंड देन वी हैव प्लस. नाउ वी नीड टू पास वन ऑब्जेक्ट, लेट्स से एस वन. तो हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया एस वन. तो अभी हमारा कंडीशन क्या है कि व्हेन बाइनरी ऑपरेटर इज एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास देन वी नीड टू पास वन पैरामीटर एज ऑब्जेक्ट. तो अब आपको लिखना कैसे है इसमें, तो अब आप क्या करोगे, जो दो ऑब्जेक्ट हैं आपने ये देखो ये पास किया ना, तो टू पास किया है ए को और ए से किस में चला गया वो एक्स टू. तो दिस इज योर एक्स टू. ठीक है, नाउ जब आपने एस फोर का एक्स लिया तो वो कहाँ जाएगा, वो तो ऑलरेडी इसने यूज कर लिया. ठीक है, तो इट विल एक्सेस बिकॉज वी नीड टू गिव सेपरेट एलोकेशन, क्योंकि वो एलोकेशन पहले ऑब्जेक्ट में ले रही. जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो हम उस पर एलोकेशन नहीं दे सकते, तो हमें वाया एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना ताकि हम एलोकेशन कर सकें. तो S4 जो है वो क्या हो जाएगा, S4 जो है वो कैसे एक्सेस करेगा, वाया ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. तो ये टू तो डायरेक्टली गया इधर. ठीक है, और ये वाला जो S4 के ऑब्जेक्ट का फोर है वो कैसे एक्सेस करेंगे,
via object of the class that is s1 dot x. तो अब ये क्या कर देगा, इट विल एड 2 प्लस 4. तो s2 डॉट x क्या हो जाएगा, s2 डॉट x मतलब अब इसको भी एक एलोकेशन चाहिए ना, क्योंकि अब आंसर भी तो कहीं स्टोर होंगे. आप करते हो ना a प्लस बी, स्टोर कहाँ करोगे, c में. ठीक है, तो a तो अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, x, ये डायरेक्ट x है, दूसरा ऑब्जेक्ट से एक्सेस एस वन डॉट एक्स, तो स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए एलोकेशन, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट से एस टू डॉट एक्स. क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये एस टू एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है टू स्टोर फाइनल आंसर, कि जब दो एक्स इस ऑब्जेक्ट का एक्स एस थ्री का एक्स एस फोर के साथ ऐड होगा, तो कैसे ऐड होगा, ऐसे ऐड करेंगे. तो दिस इज द इक्वेशन, एस टू डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एस वन डॉट एक्स. ये बात क्लियर है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के एक्स वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं. क्लियर, अभी सेकेंड के लिए, अब ये थ्री जो है वो तो डायरेक्टली किधर चला जाएगा, पहले पहला ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होगा वो डायरेक्टली एक्सेस है, पर उसको एलोकेशन मिल गया. अब दूसरा जो फाइव आ रहा है तो वो कैसे जाएगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट शुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, तो एस वन डॉट वन. तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फाइव, और इसको स्टोर करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एस टू डॉट वन, तो एट जो है इसमें स्टोर हो जाएगा. आर यू क्लियर विद दिस, समझ आ रहा है लिखना कैसे है ऑपरेटर फंक्शन. सी ये प्रोग्राम नहीं आते हैं, बट प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम आता है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने हैं. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, टू प्लस थ्री आयोटा. ठीक है, एक ये नंबर ऐड करना है और दूसरा ऐड करना है सिक्स प्लस फोर आयोटा. तो ये रियल नंबर है. ठीक है, आपको एक होमवर्क है, ये प्रोग्राम लिखना है दैट यू नीड टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दो इमेजिनरी नंबर. सेम प्रोग्राम है यही वाला, सिर्फ आपको डिस्प्ले करते वक्त वाई के साथ आई डिस्प्ले करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, दो रियल नंबर ऐड होंगे तो ये दो रियल नंबर ये एक्स की वैल्यू, और दो इमेजिनरी नंबर ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वाई की वैल्यू. बस सिर्फ आपको डिस्प्ले के टाइम आयोटा वाई लिखना है तो यू विल गेट द सेम नंबर. मतलब फॉर्मेट, डिस्प्ले का फॉर्मेट आपको चेंज करना है कि हाउ यू विल डिस्प्ले. हियर आई एम डिस्प्लेइंग इंडिविजुअली एक्स एंड वाई, बट वहाँ पे आपको कैसे डिस्प्ले करना है, एक्स प्लस आई वाई, इस तरह से डिस्प्ले करना है. तो दैट यू हैव टू थिंक, और वो आपको एज अ होमवर्क लिखना है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑपरेटर फंक्शन सेम ही रहेगा, ये बोर्ड प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, नॉट बोर्ड क्वेश्चन. थियोरी में ये कोई भी प्रोग्राम नहीं आते, ये सिर्फ मैं आपको करा रही हूँ सिर्फ वो फोर पॉइंट सिखाने के लिए कि जब यूनरी ऑपरेटर एज अ मेंबर फंक्शन होता है कोई पैरामीटर पास नहीं होता, एंड देन जब यूनरी ऑपरेटर एज अ फ्रेंड फंक्शन होता है तो एक पैरामीटर पास होता है. And when unary operator as a when binary operator as a member function hota hai, then you need to pass only one parameter because first parameter ko allocation directly hi mil gayi. Theek hai na, jaise hi aapne ye create kiya s3 to ye x aur y mein chalega, this is directly transferred in x and y. But jab aapne s4 create kiya to wo kahan gaye, तो उसके लिए एलोकेशन चाहिए ना, तो दैट एलोकेशन वी आर गिविंग विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. और उसके बाद आपने क्या किया, इसको कॉल किया, तो नाउ यू आर एडिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स. तो टू का फोर के साथ एडिशन दिखाया, दोनों की एक्स वैल्यूज ऐड कर दी, मतलब दो ऑब्जेक्ट के एक्स वेरिएबल्स ऐड किए, एंड देन दो ऑब्जेक्ट के वाई वेरिएबल्स ऐड. Understood. तो इससे आप दोनों ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो. अगर आपको y ऐड नहीं करने, सिर्फ x ऐड करने, तो ये लाइन हटा दो,
तो ये सिर्फ क्या दिखाएगा, x की वैल्यू दिखाएगा। आपने दो ऑब्जेक्ट के x वैल्यूज ऐड किए, तो चॉइस इज योर, यहाँ z भी हो सकता है, तो यू कैन ऐड थ्री थिंग्स। तो यहाँ पे एक और चीज लिखना पड़ेगा, एस टू डॉट जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एस वन डॉट वाई। तो इट इज़ अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ये फंक्शन आपको बनाना है आपके हिसाब से कि आपको ऑब्जेक्ट से किन चीज़ों पे ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेट कराना है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज फोर्थ प्रोग्राम। अब फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, दैट इज दिस वन, प्रोग्राम फॉर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एज फ्रेंड फंक्शन। तो आई एम नॉट शोइंग, can anybody, if you are listening, the students are very less today, but if you are listening, then can anybody tell ki isme kya change aana chahiye, agar friend function hai to I'll give you the keyword, jo sentence mein fir se repeat karti hu ki when operator function as a friend function, when you are overloading or you are overloading binary operator as a friend function, then you need to pass two objects of the class. Okay, you need to pass two parameters object of the class. To kya change aana chahiye, koi bata sakta hai? Should I wait for answer? Agar yahan pe a friend aa jayega, ye modification ho jayega, idhar friend aa jayega, तो इधर दो पैरामीटर पास करने चाहिए ना, क्योंकि फ्रेंड है तो फ्रेंड तो डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो ये एस थ्री भी जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस कैसे मिलेगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट एक्सेस मेंबर वेरिएबल्स ऑफ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास डायरेक्टली, तो इट ऑलवेज एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो अगर हम दो पैरामीटर्स हैं हमारे, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेटर है, हम प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है लाइक दिस एस थ्री और एस फोर, तो एस थ्री को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल सकती, इट कैन नॉट एक्सेस बिकॉज प्लस फ्रेंड फंक्शन है, और अगर फ्रेंड फंक्शन है तो मेंबर वेरिएबल ऑलवेज एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। टू कैन एनीबडी टेल क्या आना चाहिए यहाँ पर, पहले तो फ्रेंड लिख दिया मैंने, कोई है इंटरेस्टेड बोलने में? श्रुति, तनुष्का, फियोनी, ओह मैम आई डोंट नो। दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं, ए बी सी पास किया और दूसरा एक और ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा, ए बी सी कॉमा ए बी सी एस थ्री। ओके, एस थ्री पास कर दिया, चलो ठीक है। उसके बाद आई कैन शो स्लाइड डायरेक्टली, बट मेरे को ये देखना है कि कुछ कुछ भी समझ आ रहा है इसमें कि नहीं। एस थ्री पास कर दिया, अब यहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए फिर? प्लस एस थ्री डॉट एक्स। यस, वेरी गुड, एस थ्री डॉट एक्स शुड बी देयर, ठीक है, और यहाँ पर एस थ्री डॉट वाई शुड बी देयर, और यहाँ पे आप चेंज कर लो, एस थ्री की जगह एस सिक्स ले लो, यहाँ पर भी एस सिक्स ले लो, ठीक है, तो आपका वही प्रॉब्लम। तो आई शो यू दिस स्लाइड, तो इट विल बी मोर क्लियर, मीन्स थोड़ा समझ आ रहा है, इफ यू आर एबल टू अगेन आंसर देन वेरी गुड। नाउ इन केस यू कैन सी दिस पार्ट, सेम क्लास लिया है ए बी सी, वेरिएबल एक्स वाई, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑब्जेक्ट एस फाइव, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर दिस टू ऑब्जेक्ट्स, एंड नाउ यू कैन सी दिस, आई फॉरगॉट टू राइट फ्रेंड ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं जब ये पी पी टी सेंड करूँगी तो मैं करेक्ट करती जा रही हूँ जो जो मिस्टेक मैं कर रही हूँ उसमें। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड लिखना जरूरी है, तो फ्रेंड ए बी सी, बाकी सब सेम। नाउ यू कैन सी यू आर पासिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई हैव टेकन एस इंस्टेड ऑफ एस थ्री, क्योंकि वही सेम प्रोग्राम मैं कॉपी पेस्ट कर रही थी, तो आई हैव टेकन एस ओवर हियर। ओके,
तो अब जब मैं एस थ्री क्रिएट होगा, जैसे ये इन्वोक होगा और यहाँ पर, तो इस ये किसको जाएगा, एस को, और ये किसका हो जाएगा, एस फोर। अंडरस्टूड? एस थ्री और एस फोर की वैल्यू किससे एक्सेस हो रही है, एस और एस से। तो एस डॉट एक्स प्लस एस वन डॉट एक्स, एस डॉट वाई प्लस एस वन डॉट वाई, मतलब अब जो पहला पार्ट भी था वो भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर रहे हो, नॉट डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। अगर नॉर्मल मेंबर फंक्शन होते तो हमारी कंडीशन होती है ना कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मेंबर वेरिएबल, बट अब मेंबर वेरिएबल हम फ्रेंड फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते, और इसमें सिंस इट इज बाइनरी तो हमें दो वैल्यूज एक्सेस करनी है, दो ऑब्जेक्ट्स वन, दो ऑब्जेक्ट्स को ओवरलोड करना पड़ेगा, मतलब तो हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं ना, तो ये दो डेटा है, तो डायरेक्टली तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता इन फ्रेंड फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मैं ये पीपीटी मैंने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तक सेंड की थी, आई सेंड अगेन द अपडेटेड पीपीटी टिल इनहेरिटेंस, नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस। तो नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो वो जो चार्ट पॉइंट जो मैं सिखाना और बोल रही हूँ बार बार कि आपको क्या लिखना है, इतना जो एक्सप्लेनेशन किया वो सिर्फ इन चार पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए किया, कि आप जब एग्जाम में लिखो तो आपको 8 पॉइंट में से 5 पॉइंट, तो ये 4 या 5 पॉइंट तो आप फटाफट लिख सकते हो, और इसी पे ही स्कोर है सारा आपका इस क्वेश्चन का, कि दैट द ऑपरेटर यू आर, आई एम रीडिंग अगेन नाउ, इट विल बी मोर क्लियर टू यू, दैट ऑपरेटर विच यू आर ओवरलोडिंग कैन बी यूनरी और बाइनरी, and the operator function can be either member function or friend function. So if you can see from this, yeah, what is operator function, mein you will write this syntax, then ek aur slide tha na yahan par, to ye aapke first 2 point ho gaye. Overloading cannot alter the basic template of operator, means the basic meaning of operator cannot be changed. Jaise example diya tha, plus operator will remain plus for addition, चाहे वो 2 integers का कर रहा हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे स्ट्रिंग एडिशन हो, चाहे ऑब्जेक्ट एडिशन हो, एंड दैट दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। दिस इज सेकेंड पॉइंट, दैट यू कैन ओवरलोड ओनली प्री डिफाइंड C++ ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर लाइक स्कोप, रेजोल्यूशन, साइज ऑफ, कंडीशनल, डॉट ऑपरेटर, पॉइंटर, दैट यू कैन नॉट ओवरलोड, दैट इज योर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, दैट ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओनली यू कैन ओवरलोड यूनरी एंड बाइनरी, टर्नरी यू कैन नॉट ओवरलोड। फोर्थ पॉइंट है, द ऑपरेटर फंक्शन कैन बी मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। नाउ दीज 2 पॉइंट कैन बी कन्वर्टेड इंटू 4 पॉइंट्स। कैसे लिखना है, अलग अलग लिखना है। ठीक है, कैसे इसको लिखना है, given operator function is unary operator and if it is a member function then no need to pass any argument, and when unary operator as a friend function then you need to pass 1 argument which should be object of the class. So in dono points ko aapne 4 points bana lene hain, that in member function with unary operator it has no argument, ये एक पॉइंट बन गया। सेकेंड पॉइंट, इन फ्रेंड फंक्शन विद यूनरी ऑपरेटर यू विल हैव 1 आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, इन ऑपरेटर फंक्शन। और थर्ड पॉइंट, इन बाइनरी ऑपरेटर इन मेंबर फंक्शन नो आर्गुमेंट शुड बी पास, एंड इन बाइनरी ऑपरेटर एज अ फ्रेंड फंक्शन यू हैव टू पास 2 आर्गुमेंट। So you split this 2 point into 4 points. तो इस तरह से you will have 8 points for operator function. ये बहुत बार question आया हुआ है, तो इसमें programming नहीं है, ये सब जो मैंने programs आपको दिए हैं this is just for reference to understand कि unary operator है तो no parameter should be passed, friend operator unary है तो 1 object तो should be passed, and if it is binary operator then 1 object should be passed,
and when it is friend function binary operator, two objects should be passed. Simple addition of two objects ka program hai. Clear? But ऐसे प्रोग्राम आपके वो उसमें है प्रैक्टिकल में है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सेम ये वाला प्रोग्राम चाहे मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन कैसे भी लिखो तो सिर्फ वो हम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैसे हम लिखते हैं. फिर से आई एम रिपीटिंग 2+3i इफ यू आर डूइंग. ठीक है, दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर 6+4i. तो हाउ यू विल ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट शुड बी एडेड विद द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी एडेड विद द इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ पर हम वही तो कर रहे हैं, ये दो पहले नंबर ऐड कर रहे हैं x के वेरिएबल और ये दोनों नंबर ऐड कर रहे हैं y के वेरिएबल. तो ये इजीली हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेटर फंक्शन से ऐड कर सकते हैं. तो ये एज अ होमवर्क आपको करना है और ये आपका बोर्ड प्रैक्टिकल में भी आता है क्वेश्चन. मतलब हम वो भी कर सकते हैं लाइक डिवीजन भी कर सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय वाई. तो इस तरह से डिवीजन भी हम मतलब दो वेरिएबल्स का डिवीजन भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का मतलब इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं और इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं. मतलब कोई भी ऑपरेटर एडिशन सब्ट्रैक्शन पर हम एडिशन जैसे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखा सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए थोड़ा प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा पर हम कर सकते हैं इजीली. यहाँ पर थोड़ा सा लिखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा बट इफ यू कैन ट्राई यू कैन ट्राई. बट अभी के लिए तो बहुत है, ये मोर देन एनफ है. ये भी सब ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सिंपल सिंपल चार प्रोग्राम्स लिए हैं. क्लियर? बट कॉम्प्लेक्स ऑफ टू नंबर एज अ होमवर्क प्लीज ट्राई जस्ट फॉर बोर्ड प्रैक्टिकल. क्लियर? यस.